दिल्ली की सर्दी और गर्मा गर्म मक्के की रोटी, वो भी टमाटर लहसुन की चटनी के साथ। लेकिन सबसे मुश्किल काम है मक्के की रोटी को बेलना। पहले हम भी इसी तरीके से बनाते थे, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी बिल्कुल नया तरीका, जिससे ना तो मक्के की रोटी टूटेगी और बेलने में ये बहुत ही ईजी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल बी वेज विद गीत। मक्के की रोटी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 कप पानी। जब पानी बॉईल होने लग जाएगा उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच घी और 1/2 चम्मच अजवाइन। अब फ्लेम को बंद करके हम इसमें डालेंगे 3 कप मक्की का आटा। 2 कप पानी में जाएगा 3 कप मक्की का आटा। इसे फटाफट से चला देंगे ताकि इसके लम्स ना बन जाएँ। इसे अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना। तब तक हम एक चटनी रेडी कर लेते हैं टमाटर प्याज लहसुन की। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। फिर टमाटर को हम इस तरीके से हाफ में काट लेंगे और इस तरीके से पूरी कढ़ाई में हम रख देंगे। मैंने 4 टमाटर लिए हैं, उसके ऊपर डाला है 1/2 चम्मच नमक और 5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दिया। जब टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो टमाटर को हम इस तरीके से साइड करके इसके बीच में डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से काट के। 2 हरी मिर्च और 1 लाल साबुत मिर्च ली है। आप मिर्ची अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम फिर से ढकेंगे इसको ताकि गार्लिक का सारा कच्चापन निकल जाए। ये देखिए, चटनी के लिए टमाटर गार्लिक अदरक सब रेडी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे और टमाटर के जो छिलके हैं इसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। 5 से 7 मिनट में ठंडा होने के बाद हम एक चॉपर लेंगे और उसको इसमें डाल देंगे। मिक्सी में हमें इसे नहीं पीसना, वो बहुत ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, वो टेस्टी नहीं लगता। आप इस तरीके का चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो इलेक्ट्रिकल चॉपर यूज़ किया है। ये देखिए, चटनी हमारी अच्छे से चॉप हो गई है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें मिर्ची और ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी धनिया और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब हम 1 चम्मच देसी घी अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और इसके ऊपर इसे डाल के ढक के साइड करके रख देंगे। हमारा आटा भी देखिए सेट हो गया है, इसके ऊपर डाल देंगे हमारा धनिया। ये आटा इतना ठंडा हो गया है कि इसे हम हाथ से छू सकें। अब हम इसको अच्छे से मल मल के चिकना करेंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करानी है हमें, ताकि इसके सारे क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। इस तरीके से मुक्के मार मार के, अलट पलट के हमें इसका एक चिकना सा डो रेडी कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे उसके ऊपर और एक गीले कपड़े से ढक के हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसमें से अब एक लोई तोड़ेंगे हम इस तरीके से। इसे अच्छे से हाथ से चपटा कर लेंगे ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे और फिर से हम मक्की के आटे में डिप करेंगे इस तरीके से और बेलन से हल्के हल्के हाथ से हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए, हमने इसे कितनी आसानी से बेल लिया। अब मक्की की रोटियाँ थोड़े क्रैक्स तो होंगे। अगर आपको बिल्कुल गोल रोटी चाहिए तो कोई भी आप ढक्कन लेके इस तरीके से काट लें और साइड का आटा हटा दें और ये देखिए एकदम गोल गोल मक्की की रोटी हमारी सेकने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, मैंने 2 रोटी अच्छे से बेल ली है। एक तवा लेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब वो बहुत हाई फ्लेम पर गर्म होगा तब हम इस रोटी को इसके ऊपर डाल देंगे। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो अलट पलट के हम दोनों तरफ से इसे सेक लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के हम अच्छे से इसे सेक लेंगे। इसे हाई फ्लेम पर ही सेकना है, ज़्यादा स्लो फ्लेम पर हमें इसे नहीं सेकना। एक और तरीका है इस रोटी को सेकने का, पहले से तवे पे हल्का हल्का सेक लें और फिर एक चिमटे की हेल्प से इसे फुलके की तरह ही सेक सकते हैं। ये फूली फूली सी रोटी बन के रेडी होगी। उसके बाद इसके ऊपर घी लगा दें। ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट रोटी बनी है हमारी मक्के की और ना ही ये टूट रही है। इसे सरसों के साग के साथ तो सभी इंजॉय करते हैं। आज हम इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं, जो हमने अभी रेडी की है। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।